कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं हुआवे मेट एक्स टू के बारे में। आपको पता कि हुआवे मेट जो एक्स था उसको ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, जो कि एक फोल्डेबल स्मार्टफोन था, काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल हुई थी। अभी इन्होंने लॉन्च करने वाले हैं हुआवे मेट एक्स टू। हम बात करेंगे उसके बारे में, जो भी उसके जो लीक निकल के आ रहे हैं उसके बारे में, काफ़ी हद तक इसके जो लीक है वो सही है। डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, कैमरा के बारे में बात करेंगे, प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि इंडिया में ये कब तक लॉन्च हो सकता है, और अगर ये लॉन्च होगा तो कितने प्राइस के ऊपर होगा। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं उसकी डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में। तो मैं आपको बताता हूं, इसका जो डिजाइन होगा वो सैमसंग गैलेक्सी एस फोल्ड है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। काफी हद तक ऐसे चांस है कि वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हुआवे ने कुछ भी डिजाइन के बारे में ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये जो लीक निकल के आ रहे हैं काफी हद तक सही है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, हो सकता है इस साल वो स्टाइलस भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो एक्स था उसमें स्टाइलस वो सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन इस बार जो स्टाइलस को भी सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपको मोबाइल के अंदर ही देखने को मिलेगी, नहीं तो आप इसको सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टाइलस भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि जो बाहर वाला इसका डिस्प्ले होगा, जो सेकेंडरी डिस्प्ले होगा, उसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इनर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 8.1 इंच का जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिमेंशन की बात करते हैं तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इसका डिमेंशन होगा। उसके बाद वेट की बात करें तो 295 ग्राम जो वेट होगा इसका वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब कैमरा की बात करें तो जो आपको पीछे वाली साइड में जो रियर कैमरा क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा होगा वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। उसके बाद जहाँ पे आपको एक जो कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, साथ में आपको 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट वाली साइड में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का जो एक पंच होल कैमरा वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, स्टोरेज की और ओएस की, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हुआवे का जो ऑलरेडी आपको पता है कि थोड़ा लफड़ा चल रहा है क्वालकॉम के साथ और जितनी भी दूसरी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां उनके साथ, क्योंकि उनको चिपसेट नहीं मिल रहा। तो काफ़ी ऐसे चांस है कि अभी ये जो अपना उनका जो प्रोसेसर है किरन 9000 वो उसके ऊपर ही आएगा। और साथ में बात करते हैं, ये एक 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा प्रोसेसर। और बात करें ये ओक्टा कोर प्रोसेसर इस बार होने वाले। उसके बाद ग्राफिक की बात करें तो इसमें आपको Mali G78 जो ग्राफिक होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB तक इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर तक रैम की बात करते हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि इसकी रैम कितनी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग लीक अलग अलग तरह से आ रहे हैं। कोई बोलता है 8 GB, कोई बोलता है 12 GB तक ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक रैम के बारे में कुछ भी ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी होगी वो देखने को नहीं मिलेगी। OS की बात करें तो ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर आएगा, साथ में ये EMGUI जो होगा वो वाला इसमें सपोर्ट करेगा। तो जब बैटरी की बात करें और इसमें आपको 4000 mAh का जो बैटरी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फास्ट चार्जर की जहां पे बात करते हैं, इसमें आपको 66 वाट का जो फास्ट चार्जर होगा वो सपोर्ट करेगा। जहां तक हुआवे ने ऐसा बोला कि जो लास्ट वाला जो मेट एक्स का चार्ज था उससे ये 20% ज्यादा फास्ट चार्ज करेगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें आपको वाईफाई 6 का जो वर्जन होगा वो देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ के लिए आपको 5.1 वर्जन होगा वो देखने को मिल जाएगा। NFC सपोर्ट करेगा और इसकी दोनों सिम कार्ड ये ड्यूल सिम कार्ड के ऊपर आएगा और दोनों सिम इसकी जो होगी वो 5G सपोर्ट करेंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कब तक इंडिया में हमको देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी लीक सामने निकल के आए हैं, जुलाई तक हो सकता है कि इस साल ये एक लीक है, आइडिया लगा सकते हैं कि जुलाई तक हमको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, इसके प्राइस की बात करें तो ये 1,93,000 के अप्रोक्स इसका प्राइस होगा। लेकिन प्राइस की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन जो अभी सस्ते हमको देखने को मिलेंगे। इस साल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाले हैं जो कि हमको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिलेंगे। LG की बहुत ज़्यादा सेल हुई है फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर, वो दोबारा लॉन्च करने वाला है, नए लेके आने वाला है। सैमसंग की बात करें या फिर उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, आई थिंक 50,000 के करीब बहुत सारे ऐसे जो फोल्डेबल स्मार्टफोन हो गए वो लेके आएगा। शाओमी भी लेके आने वाला है। अगर तो ये इतना एक्सपेंसिव मेट एक्स टू लॉन्च होता तो काफ़ी कम चांस है कि इतना प्राइस होगा। लेकिन जो जितने भी अभी र्यूमर्स निकल के उसके ऊपर यही बता रहा है कि 1,93,000 इसका प्राइस होने वाला है। लेकिन ये प्राइस काफी ज्यादा बता रहा है, इतना प्राइस इंडिया में अगर लॉन्च होता तो इतने प्राइस के ऊपर ये लॉन्च नहीं होगा। दोस्तों यही था जो मैंने आपको हुआवे मेट एक्स टू के बारे में बताया कि कब तक इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। बाकी चीज़ों के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये अभी हुआवे की तरफ से ऑफिशियल नहीं है। जितने भी लीक और र्यूमर्स निकल के आते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।